क्या 18,000 साल पीछे चली जाएगी दुनिया? आधे घंटे में होगी 10 करोड़ से ज्यादा मौतें। क्या रूस करेगा सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल? क्या होगा जब रूस यूक्रेन में होगा परमाणु युद्ध? क्या होगा जब एक पल में ही होने लगेंगी हजारों मौतें? क्या होगा जब लोग बैठे रहे और उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे? जोर के धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें गूंजने लगी। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में ही हो गई थी। उसके बाद भी सालों तक लोग मरते रहे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लड़ाई अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो वो अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से ही जोड़कर देख रहे हैं। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वो आज भी उस दिन को याद करके सहम उठते हैं। परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि तबाही लेकर आएगा। आईकैन के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। मुंबई, जहां हर एक किलोमीटर दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो एक हफ्ते में 8.70 लाख से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा की मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकेगा। बहरहाल इस बीच पुतिन ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में परमाणु हथियारों की तैनाती का आदेश दिया है। ये युद्ध में रूस के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला भी है, क्योंकि यदि रूस की तरफ से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये 2 देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू कर देगा। अमेरिका लगातार रूस को ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दे रहा है। अब आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए देखते रहिए K9 मीडिया।